नाउ होल्डर इन ड्यू कोर्स सेक्शन 9, इसका सेक्शन 9 है। होल्डर इन ड्यू कोर्स, अ होल्डर इन ड्यू कोर्स इज अ पर्सन हु बिकम्स अ होल्डर अंडर सेक्शन 9। ये ऐसा पर्सन है जो होल्डर बनता है इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन 9 के अंदर। फॉलोइंग आर द एसेंशियल फ्यूचर ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, इसके फ्यूचर्स देख लेते। होल्डर इन ड्यू कोर्स मस्ट बी हैविंग द इंस्ट्रूमेंट बिफोर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी खत्म होने से पहले उसके पास इंस्ट्रूमेंट रहना चाहिए होल्डर इन ड्यू कोर्स का जो पर्सन है। मैच्योरिटी खत्म होने से पहले होने चाहिए उसके पास इंस्ट्रूमेंट। ए होल्डर इन ड्यू कोर्स मस्ट रिसीव द इंस्ट्रूमेंट फॉर कंसिडरेशन, और इसको ये इंस्ट्रूमेंट कोई चीज़ के बदले में मिलना चाहिए कंसिडरेशन। कोई भी चीज़ के बदले में उसको ये इंस्ट्रूमेंट मिला रहेगा तो ही वैलिड है वो, नहीं तो नहीं। होल्डर इन ड्यू कोर्स इज रिसीव्ड बिफोर मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट से पहले रिसीव होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट में भी वही लिख रहा है कि उसके पास इंस्ट्रूमेंट मैच्योरिटी डेट से पहले रहना चाहिए, मैच्योरिटी डेट के बाद कोई फ़ायदा नहीं है। होल्डर इन ड्यू कोर्स इज रिसीव्ड इन गुड फेथ, अच्छे फेथ में रिसीव होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट वो। फिफ्थ पॉइंट, इंस्ट्रूमेंट शुड बी कम्प्लीट, और वो इंस्ट्रूमेंट कम्प्लीट होना चाहिए, कोई तरीके का एरर उसमें हुआ तो वो इंस्ट्रूमेंट इनवैलिड हो जाएगा, वो कम्प्लीट नहीं है फिर। व्हेन दिस कंडीशन आर फुलफिल्ड, जब ये सब कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, देन होल्डर इन ड्यू कोर्स HDC विल बी इंटाइटल टू रिसीव द पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये सब कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही होल्डर इन ड्यू कोर्स का जो पर्सन है उसको इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट रिसीव होगी, उससे पहले नहीं। अगर इन सब में से एक भी मिस हुआ तो उसकी पेमेंट मिस हो जाएगी। द अर्लियर डिफेक्ट इन द ट्रांजेक्शन विल नॉट डिस्करेज द होल्डर इन ड्यू कोर्स फ्रॉम रिसीविंग द पेमेंट, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास ये इंस्ट्रूमेंट आने से पहले जो डिफेक्ट थे इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर उससे उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको मनी रिसीव होगी, लेकिन उसके बाद अगर कुछ डिफेक्ट हुआ तो इसको मनी रिसीव नहीं होगा वो इंस्ट्रूमेंट का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट होल्डर इन ड्यू कोर्स। इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।